गुड मॉर्निंग, वेलकम टू श्री साई महाविद्यालय। आज हम यूरोलॉजी बीएससी थर्ड ग्रेड चैप्टर नंबर सेकेंड, ठीक है, डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने डीएनए क्या होता है, डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बारे में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, इसे सबसे पहले किसने देखा, यह मॉडल किसने दिया है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को सबसे पहले मॉरिस एच एफ विल्किंस तथा रोजरलिंड एफ फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने 1953 में एक्सरे डिफ्रेक्शन नामक किरणों के माध्यम से डीएनए के यह स्ट्रक्चर को देखा तथा उन्होंने कुछ बिंदु बताया या कुछ इनके कारण बताया। ठीक है ना, कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो उन्होंने लगभग दो तीन ही बिंदु बताए हैं जिसके आधार पर, जिसके निष्कर्ष पर वॉटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किए। ठीक है ना, डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किए। तो मॉरिस एच एफ विल्किंस एवं रोजरलिंड एफ फ्रैंकलिन ने जो बिंदु दिए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उन्होंने बताया कि डीएनए की जो एक व्यास होती है, ठीक है, डीएनए की व्यास कितनी होती है, 20 अंडरग्राम। डीएनए डबल हेलिक्स की व्यास कितनी होती है, 20 अंडरग्राम। ठीक है ना, तथा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में दो आपस में बॉन्डों की दूरी, ठीक है, दो आपस में पाए जाने वाले बॉन्डों की दूरी कितना होती है, 3.4 अंडरग्राम। ठीक है ना, ये कौन है, ये दो बॉन्ड है। ठीक है, अब इन बॉन्डों में क्या क्या प्रेजेंट होगा, यही प्यूरीन एवं पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरीन एवं पिरिमिडिन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इन्हीं दो बिंदुओं, इन्हीं दो तीन बिंदुओं के कारण वॉटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1993 में निष्कर्ष निकालते हुए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया। हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है ना, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने बताया, मतलब वॉटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए की जो कुंडलीकार स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एक समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है ना, पॉली मतलब होता है मैनी, एंड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर कास्केड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में अगर कास्केड ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड के कई कंपाउंड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के कई कंपाउंड मिले रहते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है, दो समांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना, और जो इसका एक कुंडलीकार स्ट्रक्चर है वो तो क्या होगा, फाइव एंड से शुरू होगा और थ्री एंड में समाप्त होगा। ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंड,
और 300 से शुरू होगा ये तो 500 इंड से समाप्त होगा, मतलब एंटी पैरेलल होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो प्यूरीन और पिरिमिडीन पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्यूरीन और पिरिमिडीन पाए जाते हैं इनके बीच में कौन कौन से बांड जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इनके बीच में कौन कौन से कौन बांड जुड़ेंगे, या डबल बांड जुड़ेंगे या ट्रिपल बांड जुड़ेंगे, ये चीज अपन देखेंगे। तो एडेनिन के साथ कौन सा बांड जुड़ेगा? डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगा साइटोसिन, ठीक है ना। ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लेना, क्योंकि इन्हीं दो तीन बिंदुओं में इनमें क्या होता है, आपस में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। अब ये चीज मैंने बता दिया है कि मतलब दो हेलिक्स के बीच में जो इनका व्यास होता है कितना होता है, 20 mm टाइम, दो बांडों के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 mm टाइम, तथा ये एक डीएनए की एक राउंड की एक सर्कल की दूरी वो कितना होगी, 34 mm होगी, ठीक है ना। इन्हीं सब बिंदुओं को उन्होंने वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया है, तथा इन्हीं सब के कारण वाटसन एवं क्रिक को, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज मिला था, 1962 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, ठीक है ना। तो डीएनए डबल हेलिक्स के मॉडल में इतना ही दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए के टाइप्स ऑफ डीएनए, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डीएनए के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देंगे आप लोगों को, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।